इस विद्यालय का पूरा नाम वैसे श्री जिज्ञासु स्मारक पाणिनी कन्या महाविद्यालय है, क्योंकि अपने पूज्य गुरुवर्य जो कि पद्म भूषण की जिनको उपाधि मिली भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त थे वे, तो उनके द्वारा उनका पूरा नाम श्री पूज्य पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, तो उनकी स्मृति में उनकी शिष्याएँ अपनी आचार्या डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी जो कि वेद विदुषी मणि थी और उनकी सगी छोटी बहन आचार्या मेधा देवी जी, दोनों ने मिलकर के इस गुरुकुल की स्थापना की और पाणिनी नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि पाणिनी वो अपने संस्कृत व्याकरण के प्रमुख वैयाकरण थे। उन्होंने संपूर्ण लौकिक और वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए उन व्याकरण के सूत्रों की अष्टाध्यायी के रूप में 4000 सूत्र हैं उनको संग्रहित किया और उसी के नाम पर उसी परंपरा को, ताकि कन्याएं अपनी संस्कृति संस्कार परंपरा मर्यादा को जाने, जो कि बिना संस्कृत को जाने नहीं हो सकता है, और संस्कृत को पढ़ने के लिए पाणिनीय व्याकरण को अष्टाध्यायी को पढ़ना आवश्यक है। ये संपूर्ण नारी जगत के लिए जिस प्रकार की मेरी आचार्य जी एक कीर्तिमान स्थापित करके गई, मैं भी उसी तरह से बनूं और बाहर निकलकर मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि मुझे लोग संकेत करके अपने मार्ग का चयन करें, मुझे मेरी दिशा को सोच करके कोई अपनी दिशा को निश्चित करे। मैं उस दिशा की परिकल्पना करती हूं जिस दिशा में हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि मेरी आचार्या गण गई हैं, मेरा वही स्वप्न और वही मेरी दिशा होगी। ये शुरुआत एक परिवार की दो बहनों ने मिलकर की थी, जो आज समाज और राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। गोबर का वो किला बनाते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो मेरा रोल मॉडल, मेरा आदर्श मेरी आचार्य जी थे, क्योंकि मेरी आचार्य जी ने विद्यालय को अत्यंत परिश्रम पूर्वक बनाया। उनके इतिहास को जब पलट कर देखते हैं, जो बताते हैं हमारी आचार्य जी, बताती थी हमें, उनका जीवन बहुत ही परिश्रम से और अत्यंत परिश्रम पूर्वक उन्होंने विद्यालय की एक एक ईंट जोड़ी थी।
देखिए, भारत एक परंपरागत देश है, रूढ़िवादी परंपराएं बड़ी हावी हैं, लेकिन वर्तमान जो परिवेश है उसमें निहित तौर पर शिक्षा का स्तर ऊँचे होना चाहिए और कन्याओं को भी शिक्षित होना चाहिए। यदि मैं प्राचीन समय की ओर अवलोकन करूं और वर्तमान समय से उसको मिलाती हूं, तो मुझे यही लगता है कि प्राचीन विश्व का चिंतन जो एक भारतीय मनीषा थी, जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति की वेदों के स्रोत के आधार पर परिकल्पना की। देखिए, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, विसंगतियां हैं, नारियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को मैं तो यही कहूँगा कि ये चंद लोगों के दिमाग में पैदा हुए अनावश्यक सवाल हैं। कन्या और बालक में एक समानता लाकर शिक्षा के स्तर को यदि हम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी सोच है और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। माता पिताओं को भी थोड़ा समझना होगा कि हमारा आज का परिवेश कैसा है, हमारी कन्या को हम किस स्तर तक शिक्षित करें, उसमें घर के कार्यों में भी उनको कुशलता प्रदान करें। ऐसा ही नहीं कि जो आज की जो भाग दौड़ वाली जीवन है, जीवन शैली हो चुकी है, उसमें कन्याएं केवल शिक्षा की तरफ ही बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। उनको घर के कामकाज भी आने चाहिए, जो कि भविष्य में शादी के बाद जो एक व्यवहारिक कमियां महसूस होती हैं उनका भी निराकरण होना चाहिए। ये तो बड़ी बहन जी होती तो आपको बड़े अच्छे से बताती। आप नंदिता बहन जी से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि बेटियों को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, लड़कियों को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। इस बात को लेकर के अगर पूरी काशी में पंडितों को कोई ललकार सकता था महर्षि दयानंद के बाद, तो लोगों ने कहा कि प्रज्ञा देवी जी। एक जैसे नारी को हमारे समाज में एक कमज़ोर मानते हैं कि नारी बहुत कमज़ोर है, उनको कुछ नहीं आता है, जो कुछ हैं हम मर्द हैं। लेकिन ये सोचना, ये भावना, ये गलत है लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ा लिखा होना तो अच्छा है, बहुत ज़रूरी होता है आजकल, औरतों को पढ़ा लिखा होना सबसे ज़रूरी है। सोच तो ये है कि मैं जहाँ तक हो सका वो अपना शिक्षा संस्कार के लिए बढ़िया अच्छा करें, पढ़ाना लिखाना, अब बढ़िया पढ़ा रहे हैं स्कूल में। अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो आजकल के माँ बाप को चाहिए कि उसको और आगे बढ़ाएं, उसको और आगे भेजें, वो जहाँ तक जा सके। पढ़ाई के मामले में हमारे मज़हब में तो है, अगर वो पेरिस जाना चाहती है पढ़ाई इल्म हासिल करने के लिए, तो वो पेरिस जा सकती है, लंदन जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो इसके लिए जो है रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और इससे बहुत हमको फ़ायदा है, जैसे कि कोई कहीं से भी आया, कोई लेटर आया, या कोई भी न्यूज़ है, कोई भी समाचार है, जब तक उनको नहीं पता रहेगा तब तक उनको आगे के बारे में और लोगों को कैसे बता पाएंगी। कन्याओं के शिक्षा के बारे में मेरा विचार है कि कन्याओं को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कन्याएं जो हैं वो परिवार की माता जो है परिवार की पहली गुरु है। वो अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। कम हो ही रही, कम मतलब घर गृहस्थी के मारे हम पढ़ नहीं सके, घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रही इसलिए पढ़ नहीं सके। हमारे पिताजी पढ़ाना चाहते रहे मगर घर की जो जिम्मेवारी रही उससे हम नहीं पढ़ सके। माता को शिक्षित होना तो परमावश्यक है, जो चाहे वो भारत की हो चाहे वो विदेशों की हो, कहीं की भी हो, माता का शिक्षित होना समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा एक कर्तव्य है और बहुत बड़ी माता को शिक्षित करने की जिम्मेदारी समाज की है, क्योंकि समाज अच्छा बनता है इससे। वैसे भी भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो काशी ही है।
बनारस ऐसी नगरी है जो पंडितों की नगरी है और पौराणिकों की नगरी है। जिसके विषय में कहा जाता है कि काशी का कंकर कंकर शंकर है, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ के लिए कि हर कंकर कंकड़ में वो शंकर की कल्पना करते हैं। तो कह सकते हैं कि वो पौराणिकों का गढ़ है। परंतु आचार्य जी ने उस काशी की नगरी में यदि अपना लोहा गाढ़ा था तो वो मानक थी वहाँ की। युग में साक्षात परम ब्रह्म मुनीश्वर मनुष्य शरीर धारण करेंगे। अस कही गरुड़ गीत जब गयऊ तिनके मनयति विषमय भयऊ। बनारस में जो भी आता है अभिभूत हो जाता है यहाँ की छटा देखकर, यहाँ के ज्ञान से और यहाँ की संस्कृति से, और मुझे तो इसके अलावा और कहीं अच्छा ही नहीं लगता है। हमारा तो जीवन ही है, पूरा दर्शन ही है। व्यक्तिगत मेरा तो सब कुछ गंगा है, व्यवसाय भी गंगा जी से ही है, आजीविका गंगा जी से है। यहाँ स्नान है, यहाँ नहाना है, यहीं रहना है, आनंद भी यहीं लेना है। तो काशी का महत्व तो अपने आप में अलग है। और गंगा मोक्षदायिनी है, मोक्षदायक काशी, मोक्षदायिनी गंगा, दोनों की युति तो अद्भुत है। एक समय था जबकि ये कहा जाता था कि नारियां वेद नहीं पढ़ सकती, लेकिन एक ऐसे मिथक को जो कि एक रूढ़िवादिता के रूप में साबित हो चुकी थी ये बातें, लेकिन उस बात को ऋषिवर दयानंद के सपनों के अनुसार और हमारी आचार्य जी ने मिलकर के इस वाराणसी शहर के अंदर नारियों के अंदर इस प्रकार की शिक्षा का बीजारोपण किया। संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा कही गई, वस्तुतः वेदों का ज्ञान संस्कृत में है और जो वेद पढ़ते थे उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाता था। मध्यकाल में ब्राह्मणों जब शिक्षा का थोड़ा सा विस्तार कम हुआ तो ब्राह्मणों ने अपनी आजीविका के साधन के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इनको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, जबकि ये सभी एक वर्णों का सामंजस्य बनाता है। सभी जब पढ़ते थे, सभी अध्ययन कर रहे थे तो समाज में कोई नीचा नहीं था, कोई ऊंचा नहीं था। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, लेकिन बीच के काल में जन्म से ब्राह्मण की बात आरंभ हो गई कि अध्ययन अध्यापन स्वयं हमने उन्होंने छोड़ दिया और इसी के साथ दूसरे अगर पढ़ेंगे तो उनको उसके प्रति कुछ ना कुछ सजग करने की बात करेंगे, आप ये गलत कर रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं, तो दूसरे भी न पढ़ें और स्वयं तो पढ़ना छोड़ ही दिया उन्होंने। और ये ब्राह्मणों की भाषा उन्होंने जानबूझ करके एक शस्त्र छोड़ा ताकि और लोग इसको पढ़ने से वंचित हो जाएं और मेरे ऊपर किसी का अंकुश किसी का लगाम न रहे, इसलिए उन्होंने। और वस्तुतः जो वेद पढ़ते थे वही ब्राह्मण कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी वही होते थे जो वेद का अभ्यास करते थे, वेद का अध्ययन करते थे, वेद की अर्थों को जानते थे, वेद की परंपरा के अनुसार जिनका जीवन होता था। एक हलवाई ब्राह्मण कुल में पैदा होने से वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं था। आज हमारे देश की स्थिति यही है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के हम सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद में तो कोई मंदिर नहीं है, वेद में कोई पुजारी नहीं है, वेद में कोई कर्मकांड नहीं है। जब उन्हें संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, जो हमारे जो पहले के पंडित थे उन्होंने संस्कृत को एक रूढ़ी भाषा बना दिया है, इसलिए उन्हें संस्कृत के बारे में पता नहीं, वो जो पढ़ते हैं उसी को वो अच्छा मानते हैं।
और हमें और उनको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत हमारे देश की जो संस्कृति है वो संस्कृत के द्वारा ही है। जब तक संस्कृत नहीं रहेगा तो संस्कृति नहीं रह सकती है। हम कहते तो हैं कि हमको संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु जब भी कभी पूजा की बात होती है, कभी किसी चीज़ की बात होती है, जब भी धार्मिक क्रिया की बात होती है, तो वहाँ हमारी संस्कृति ही काम आती है। वहाँ हम संस्कृत क्यों बोलते हैं? अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि नारियों को वेद की शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, तो वेद की शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? बनारस जो गढ़ है, बनारस के जो लोग हैं, जो पंडे हैं, जो बड़े बड़े, उनका जो है मानना है कि स्त्रियों को तो पहली बार वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए, वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो अपने मुख से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए, ये धार्मिक और हर दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हमारे शास्त्रीय विधि जो है, जो शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं, उसमें कहीं कन्याओं को वेद मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो परंपराओं से हट के यदि हम कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें विसंगति आएगी। शिक्षा एक अलग विषय है, वेद का ज्ञान और वेद मंत्रोच्चारण करना हमें नहीं लगता है कि बहुत सार्थक प्रयास है। यह बात जो है निर्मूल हुई कि वेद न तो औरतों को निषेध किया है, न तो औरतों के पढ़ने के बारे में कहीं पर कोई टिप्पणी की है। अब आप देखें, अगर ये टिप्पणी सही होती तो ये जो आपके गार्गी मैत्रेयी जो जितनी विदुषी हुई हैं उस काल की, फिर बिना पढ़े कैसे हुई? तो इसका मतलब कि पढ़ने की वर्जना नहीं थी। और कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है जो कि नारियां नहीं करवा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से आँख, इंद्रियां, नाक इत्यादि ईश्वर ने पुरुष को प्रदान किया है, उसी प्रकार से नारियों को भी प्रदान किया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस काम को पुरुष कर सकते हैं उसको नारियां नहीं कर सकती हैं। और ये महिला सशक्तिकरण का ये सर्वप्रथम बिंदु होता है कि नारियाँ आगे बढ़ें और अपने आप को समझें, क्योंकि ये सच है कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। जिन लोगों ने हिंदू समाज को, अपने वैदिक धर्म को, वैदिक दर्शन को नीचे गिराने का काम किया है, वो लोग नष्ट तो नहीं हुए हैं। तमाम ऐसे लोग पढ़े हुए हैं, तो हम उनकी चर्चा और उनकी परवाह भी नहीं करते। शिक्षा का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा स्थान रहा है और नारियों ने हर जगह सहभागिता दी है। आज तो समाज अपने आप में बहुत ही खुले विचारों का है, लेकिन नियोग की बात किसी से करके देखिए। लोग कहते हैं हम खुले विचारों के हैं, मुझे तो नहीं लगता। हालांकि मैं जिस समाज में बैठी हूँ ये तो और भी बंदिशों में रहता है। आप अगर चारों तरफ नज़र डालेंगे तो रास्ते में चलती हुई औरतों को देखिएगा, मुंह खुला करके कोई नहीं चलेगा। तो इन सारी चीज़ों के मूल में तो स्त्रियां हैं। जिन घरों में स्त्रियों की अच्छी स्थिति है वो घर बड़े आगे जा रहे हैं और वो समाज भी आगे जा रहा है। सारा महत्व उनके पास में है। अगर वो सुचारू रूप से परिवार चलाती हैं तो कोई भी परिवार हो वो उन्नति के पथ पर चलेगा। घर से अधिक अच्छा मुझे गुरुकुल में लगता है, मुझे गुरुकुल पसंद है। मुझे थोड़ा कमी महसूस हुई कि बच्ची मेरी चली गई है, यहाँ रहती तो साथ में पढ़ाते अपने साथ, लेकिन फिर अच्छा लगा कि बाहर जाके कुछ अच्छा करके आएगी, इसलिए फिर सोचना छोड़ दिए। मुझे याद है 8 साल की थी तो मेरे दादाजी जो है घर में ये बात रखा था कि हम गरिमा को गुरुकुल में भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो हमारी जो मम्मी थी वो बहुत रो रही थी, मतलब खा पी नहीं रही थी बिल्कुल, कह रही थी हम अपनी बेटी को इतना दूर नहीं भेजेंगे, कहाँ बिहार और कहाँ बनारस, उनके लिए तो एक परदेश था जैसे बनारस, तो वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए वो बहुत ही रो रही थी। तो सुबह सुबह दादाजी ने मुझे फिर 4 बजे उठाया और उन्होंने कहा तैयारी कर लो, पैकिंग वगैरह, और धीरे से किसी को भी नहीं बताया, मुझे लेकर के स्टेशन चले गए और घर वालों को किसी को नहीं पता था, मेरे दादाजी और दादी जी को बस पता था। तो जब मैं चली गई बनारस तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, बाद में पता चला। फिर जब मैं गुरुकुल गई तो दादाजी मेरे साथ वहाँ पर 2-3 दिन रहे, फिर वो मुझे छोड़ करके कलकत्ता चले गए। तो
तो जब मैं गुरुकुल में नहीं नहीं गई तो बहुत रो रही थी, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था, इतनी छोटी सी थी, यहाँ तक कि मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे वहाँ पर एडजस्ट होने में। फिर धीरे धीरे वहाँ की जो आचार्या थी, प्रियंवता जी थी, नंदिता जी थी, सूर्या जी थी, इन लोगों ने मुझे धीरे धीरे मन बहलाना शुरू किया, छोटी मोटी कहानियाँ सुनाना, तो धीरे धीरे मन लगना शुरू हुआ। मैं जब यहाँ आई थी तब मैं 10 साल की थी और अब 4 साल हो गए। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, इसलिए जब मैं जब मुझे विद्या प्राप्त करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे घर वालों को छोड़ना होगा, घर को छोड़ना होगा, इसलिए मैं घर की बातें घर पर छोड़ के अपने मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस उद्देश्य को लेकर यहाँ आई थी। इसलिए मेरे मन में कोई दुख नहीं था कि मैं अपने घर को छोड़ दिया मैंने और मैं विद्यालय में आई हूँ। मेरी बेटी जब यहाँ पढ़ने के लिए आई वो उसमें 10 वर्ष की थी। पहले तो जैसे एक माँ को लगता है, फिर तो मन में ये था कि बेटी को विदुषी बनाना है तो ये त्याग तो करना ही पड़ेगा। मैं उस समय 11 वर्ष की थी। मेरी इच्छा थी, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं, लेकिन ऐसा कोई मतलब उस ढंग का विद्यालय नहीं मिल रहा था जहाँ पे संस्कृत की वो हो, वहाँ संस्कृत पढ़ाया जाता, लेकिन वहाँ संस्कृत का इतना जोर नहीं था। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है तो मैं यहाँ पे पढ़ने आई। यहाँ जब वो आई थी तो 8 साल की थी। अपनी बच्ची को अच्छी पढ़ाई के लिए भेजे थे, वेद के ज्ञान के लिए भेजे थे। वो मेरी अवस्था जो मेरा विद्यालय का प्रवेश था 1990 में नवंबर दिसंबर में मैं वहाँ पे मैंने प्रवेश लिया, और तब से लेकर के मैंने 17 साल पांडी कन्या महाविद्यालय में बिताया। मैंने 2007 में विद्यालय छोड़ा। नहीं, कमी नहीं खलते, हमें तो बहुत फख्र होता है। हमको तो समाज में ये मिलता है कि आप बच्ची को गुरुकुल क्यों भेज दिया, तो के लिए आप अभी नहीं इंतजार करिए 10-12 साल, उसके बाद आपको अंतर नज़र आएगा कि आपकी बच्ची क्या तैयार हुई। आपकी बच्ची पैसा कमाने के लिए तैयार हुई, और मेरी बच्ची जो है ना संस्कृति को बढ़ाने के लिए तैयार हुई। और बच्चे अच्छा ही सोचते हैं इसके बारे में, जैसे मैं बताती हूँ कि वहाँ पढ़ने गई है, ये अभी मैंने सुना कि ये पूरा मतलब पूरी अष्टाध्यायी इसने कंठस्थ कर ली, तो मुझे भी अच्छा महसूस होता है। मैं इसके फ्रेंड्स को बताती हूँ तो वो लोग भी सोचती हैं बहुत अच्छी जगह गई है, खूब अच्छी पढ़ाई कर रही है। इस शिक्षा की वृद्धि के लिए मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, संस्कृत प्रोफेसर। बस एक ही बात, मैं तो इसको कहता हूँ खूब पढ़ो, खूब विदुषी बनो और हमारी भावनाओं को पूरा करो। जो आज जितने भी विकृतियां और प्रदूषण हमें दिखाई दे रहा है वो उस वेद ज्ञान से, उस संस्कृति से हम बहुत दूर हट चुके हैं, इस कारण से है। हम अपने मूल स्रोत से कहीं कट गए हैं। यदि उसके साथ फिर से जुड़ते हैं, अपने वेद ज्ञान के परंपरा के साथ, वेद ज्ञान के साथ, तो हम फिर से उस एक जो युग था जिसकी कल्पना आज भी करते हैं कि राम का युग, सतयुग, तो उसको हम आज भी स्थापित कर सकते हैं और उसकी आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। परंतु मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजा है विद्यालय में, उन्होंने उनको अपनी संस्कृति से, अपने देश से, उनको एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त, एक सुयोग्य, एक सर्वांगीण विकास चाहिए एक बालिका के लिए, तो इस कारण से उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। तो ये सब चीज़ हम लोग को मालूम पड़ता है, तो हम लोग को अंदर से इच्छा होता है कि नहीं बच्चा को ऐसा शिक्षा दें कि कम से कम अपने यंग होते होते आचरण और व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं लावे, बुराई नहीं लावे। तो यहाँ जो है कम से कम आचरण जो है स्वभाव है, वैदिक विद्वान है, एक मानवता के नाते पूर्ण रूपेण जो कहते हैं ना मैंने आदर्श महिला की तरह तैयार हो जाती है। आदर्श महिला
जैसे उसके अच्छे संस्कार जब शुरू से ही पलेंगे तो उसी संस्कार के अनुसार आगे बढ़ेगी और अपने से बड़ों का सम्मान करना। इस स्थिति में मैं समझती हूँ कि गुरुकुल का जो है, गुरुकुल में जो निर्माण है, क्योंकि लड़कियाँ जो घर में जो रहती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो बच्चे पे माँ बाप का कंट्रोल नहीं हो पाता है। जी, परिवर्तन दिखाई देता है, तो अधिक समझदार हो गई है और पढ़ने में ज़्यादा अच्छी, मतलब अपना तैयार भी करती है, तैयारी भी कर रही है। हाँ, याद आती है, फिर भी उतना नहीं, अपनी दिनचर्या में हम वो रहते हैं, कभी समय मिलता है तो याद आ जाता है, याद कर लेते हैं। वो वातावरण जो वास्तव में एक लड़की के लिए हितकारी नहीं है, वो वातावरण लोहा का नाला है, जिसका पाणिनी कन्या महाविद्यालय में नितांत अभाव था ही नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रज्ञा देवी जी की नजरों से कौन बच जाए? जो गलत कोई भी इतनी सी भी एक्टिविटी कर दे, माँ की नजरों से बेटी बच सकती थी, आचार्य प्रज्ञा देवी जी की नजरों से बेटी नहीं बच सकती थी। इतने सख्त डिसिप्लिन में वास्तविकता थी कि रह पाना, अगर मुझसे इतना मना नहीं किया जाता ना, इतना ठोस ठोक ठोक के, तो मैं भी वहां से बहुत जल्दी आ जाती। मेरे विद्यालय की जो पाणिनी कन्या महाविद्यालय की जो दिनचर्या थी वो इस तरह थी, 4 बजे सुबह उठने की घंटी बजती थी, 4 बजे उठना होता था। के बाद एक हम प्रार्थना बोलते थे, प्रार्थना के बाद हम सफाई कार्य में लग जाते थे। प्राणायाम के द्वारा अपने इंद्रियों को कैसे केंद्रित किया जाता है, बनाने में लगता है, दूध उबालने में और जो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह है उसको करने में, तो उतने बीच में 2-3 बच्चे जिनकी ड्यूटी होती थी वो उधर लग जाते थे, बाकी बच्चे वेद पाठ का अभ्यास करते। आर्य समाज के नियम पहला, सरस्वती की विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का पुरोहित बनाना ही उसका उद्देश्य नहीं है। वो तो जब संपूर्ण वेद और कर्मकांड को सीखती हैं और वो तो उसके साथ ऑटोमेटिक वो कर्मकांड में पारंगत हो जाती हैं। असुरिया नामति लोका नाम।
वेद पाठ के अभ्यास के बाद अष्टाध्यायी का वचन, जो कि हमारे यहाँ व्याकरण मुख्य विषय था, तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके सूत्रों का एक बच्चा वचन कराता था और बच्चे वचन करते थे, उसको रिपीट करते थे। प्रातराश किया, प्रातराश करने के बाद फिर कक्षाएं शुरू हिंदी में से उसके बाद 12 बजता था, 12:30 के बीच में हमारे भोजन की घंटी लग जाती थी। हम सभी अपने अपने बर्तन लेकर के भोजन के लिए जाते थे। भोजन करना, अपने बर्तन खुद धोना होता था। भोजन किया, भोजन के बाद 2 बजे कुछ उसके बीच में विश्राम का समय भी देते थे, आधा घंटा, कि क्लास में जाने के बाद आपको नींद ना आए। तो 2 से 5 के बीच में फिर कक्षाएं होती थी, उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बच्चे, अलग अलग बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उससे छोटों को पढ़ा रहे हैं, आचार्यगण उससे बड़े विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। इस तरह पूरे विद्यालय में एक कक्षाओं का सिस्टम क्रम चलता था। डबल जी उगित अंग तथा अंच धातु को नुमागम होता है सर्वनाम स्थान के परे रहते। वैसे तो हमको यहाँ शस्त्र सिखाया जाता है, लाठी भाला तलवार, ताकि हम ऐसा खेल खेलें कि जिससे हम अपनी भी रक्षा कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की भी रक्षा कर सकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7 क्योंकि जहाँ जब कहते हैं शस्त्र रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, जब हमारा राष्ट्र शस्त्रों द्वारा, मतलब जो क्षत्रिय हैं उनके द्वारा रक्षित होगा, वहीं पर शास्त्र की चर्चा होगी। तो हम यहाँ पर उसको भी सीखते हैं, शस्त्र की भी हमें विद्या मिलती है और शास्त्र की भी। ठीक है, इसको लेना है, यानी ज्ञातिवाची और ज्ञानवाची शब्दों को छोड़ करके अब वो अलग अलग रहते हैं। जैसे कल्पना, हम जहाँ एक तरफ मतलब अपनी आत्म सुरक्षा के लिए जहाँ युद्ध कला सीखते हैं, वही दूसरी तरफ विद्या भी सीखते हैं। हम हवन भी करते हैं, हम जितने भी कर्म कांड जितने भी चीजें करते हैं उसमें संस्कृत ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी में करते हैं। और जो बच्चे जिनकी ड्यूटी होती थी भोजन बनाने की, वो 5 बजे अपने भोजन के लिए वहाँ आ जाते थे, क्योंकि रात का भोजन तैयार करना होता था। और फिर यज्ञशाला वगैरह की सफाई होने का उनकी भी ड्यूटी होती थी। और व्यवस्थित होती थी, हमें फालतू समय नहीं मिलता था कि हम बातें बनाएं, और यदि बातें बनाएंगे तो पढ़ने वाला समय चला जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे तो हमें डांट पड़ती है। पाणिनी कन्या महाविद्यालय में मुझे तो मुख्य, वैसे देखा जाए तो मुझे शुरू से ही म्यूजिक बहुत पसंद रहा है। मैं समझती हूँ कि म्यूजिक ऐसी चीज है कि हर
प्रकार की प्रॉब्लम, दुख, टेंशन, इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। और वो चीज़ मैंने नंदिता जी से प्राप्त की। आदर्श नारी वो है जो सर्वांगीण हो, जिसमें वो ब्रह्मवादिनी भी हो, विदुषी भी हो, धार्मिक भी हो, चरित्र संपन्न हो, आत्मनिर्भर हो, वो वीरांगना हो और उसके अंदर अपने अंदर मातृत्व जो एक नारी का सर्वप्रथम गुण है, वो शिक्षिका हो, प्रथम गुरु के रूप में वो अपने जीवन का स्वयं का निर्माण करके तभी वो आगे की परंपरा का निर्माण कर सकती है। तो आदर्श नारी जिसके अंदर सर्वांगीणता हो और किसी भी कार्य के प्रति उसमें आत्महीनता का तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, वो हर कार्य के प्रति सजग हो, सतर्क हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए उसके अंदर आत्म तेज हो, गौरव हो, इस प्रकार की नारी। मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानती हूँ जो कि मुझे इस विद्यालय इस पाणी कन्या महाविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला। आचार्य जी मुझे एक बात के लिए, मैं छोटी थी तो झगड़ा बहुत करती थी, ज्यादा लोगों से बना के नहीं रख पाती थी, झगड़ा करने का मेरा स्वभाव था। तो आचार्य जी कहती थी सबको बुला करके, जो बड़े आचार्य गण थे उनको बुलाती थी और कहती थी सुनो सुनो ये लड़की ना हीरा है हीरा, परंतु ये कीचड़ में पड़ा, इसको अपना मोल ही नहीं मालूम, मैं एक बार निधि अपना मोल पहचान लूं, ऐसे कहती थी आचार्य जी कि तू हीरा है। हमारे गुरुकुल का जो है आदर्श नारी का निर्माण करना ये पहले से भी रहा है, अभी भी है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये सारा विश्व हमारा एक परिवार है और उस परिवार के प्रत्येक नारी हमारी अपनी बहन है, अपनी माँ है, अपनी बेटी है, तो उन सबको ये संपूर्ण वेद वेदांग, संस्कृत और गीता रामायण सब कुछ जानने का अधिकार है और जानना चाहिए। और एक नारी के लिए संस्कारों का ज्ञान कि संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृत क्या है, तो इनको जानते हुए जब वेद पढ़ती हैं तो कर्मकांड में स्वयं दक्ष हो जाती हैं, पर कर्मकांड में पारंगत करना ही उद्देश्य यहाँ का नहीं है, अपितु एक पूर्ण नारी, सर्वांगीण नारी जो कि मैंने पहले भी कहा वीरांगना भी हो, हैं वो चिकित्सिका भी हो, धार्मिक भी हो, विदुषी भी हो, परंपराओं का निर्वाह करने वाली हो, ऐसी हर प्रकार की नारी का निर्माण हो। जब हमने देखा हमारी आचार्य जी को शरीर में बहुत लंबी तगड़ी नहीं थी, मैंने जीवन में पहली बार इतने छोटे व्यक्ति से किसी को डरते हुए देखा, बल्कि यूं कहूं सबको डरते हुए देखा। हम तो बहुत डरपोक सी बालिका थे जब मैं 16-17 साल की थी। मेरे घर वालों से कभी पूछिएगा वो बताएंगे आपको, सभी ये कहेंगे जहाँ मैं लोहा कला गुरुकुल में पाणिनी कन्या महाविद्यालय जाने से पहले पढ़ती थी, आप वहाँ की किसी लड़की से पूछिएगा, किसी छात्रा से पूछिएगा, किसी स्नातिका से पूछिएगा, तो सभी ये कहेंगे सविता वो तो बहुत डरपोक थी। सच्चाई कि मैं बहुत डर, मुझे निडर बनाया तो बनारस गुरुकुल में, बड़ी कमजोर सी थी और कमजोरी में जो व्यक्ति को नाम दिए जाते हैं वो सारे नाम मेरे थे। कमजोर बच्चे को जो भी नाम दिए जाते हैं, कमजोर लड़की को जो भी नाम दिए जाते हैं, वो सारे नाम मेरे थे वहाँ पर। पर अब हिम्मत किसी की कि मुझे कोई कमजोर नहीं देता। ये है बनारस। मैं कभी भी किसी चीज से घबराती नहीं हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि मैं ये कार्य कर नहीं सकती, क्योंकि
ये सबसे बड़ी दिन मेरी दोनों आचार्य जी की, डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा देवी जी, कि उन्होंने मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया कि मुझे कोई कार्य ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे लिए असंभव है या मेरे साथ बुरा हुआ या गलत हुआ। हमारे अंदर जो निडरता है वो उनको देख करके आई है, नहीं तो मैं तो इतना डरती थी कि घर में सबसे डरपोक मैं ही थी, और अब सबसे ज्यादा झगड़ालू भी मैं ही हूँ, क्योंकि जो किसी की गलत बात को ना माने उसको सविता कहा जाता है। ये भी हाँ कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। और वहाँ की जो पढ़ी लिखी जो लड़कियाँ हैं, आज तक मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक देखा कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं हटी, कि यहाँ से गुरुकुल से निकलने के बाद जा करके अपने घर में बैठ गई, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक लड़की कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ काम कर ही रहा है, तो ये चीज़ ये हमारे गुरुकुल का ही देन है कि वहाँ की हर एक लड़की एक एक मोती बन करके चारों तरफ बिखरी हुई है। यदि किसी देश को हम एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उस देश की नारी सशक्त होनी चाहिए। पुनरपि आपके प्रश्नानुसार मैं आपको अपने आप को इतना तो कह सकती हूँ कि मुझे जो आचार्य जी ने मेरे अंदर संस्कारों का बीजारोपण किया है, मेरे माता पिता ने जिस शिक्षा को मुझे दिया है, मैं आजीवन उसे बरकरार रखते हुए एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित करूँगी। तो उसका कर्तव्य है को अपने देश के लिए कुछ करें। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार है, क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपना जो हमारे रक्षक है वो भक्षक बन गए, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। तो जब तक एक अच्छे मानव का निर्माण नहीं होगा, तब तक एक व्यक्ति कुछ अपने जीवन में नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम हमें एक अच्छा मानव बनना है, जो कि हमें इस पाणी कन्या महाविद्यालय में एक अच्छा मानव बनाया जाता है। देश में सभी चीज़ों का निर्माण होता है, अच्छी अच्छी फैक्ट्री हैं, कहीं आइसक्रीम की फैक्ट्री है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग कोई निर्माण कर रहा है, कोई कुछ निर्माण कर रहा है, एक से एक निर्माण हो रहे हैं, परंतु मानव निर्माण केंद्र वो कहीं नहीं है। वो एक हमारा विद्यालय है जहाँ मानव का निर्माण होता है। मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा मानव बन के ही व्यक्ति कुछ कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए सबसे पहले मैं अभी अध्ययनरत हूँ, इसलिए मैं अभी सोचती हूँ कि मैं सबसे पहले एक अच्छा मानव बनूँ, बाद में मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सुनो।